बिग बॉस 18 की शुरुआत हो चुकी है और घर में सभी 18 कंटेस्टेंट्स भी आ चुके हैं। अब आने के साथ ही घर में कुछ सदस्यों के बीच टकराव भी देखने को मिला है। अब किसी को भी घर में ले आओगे तो यही होगा, जिन्हें बस लड़ना है, बिना मतलब अपनी टांग बीच में घुसानी है। ऐसे कई कंटेस्टेंट्स हैं। खैर, शो में कई अलग अलग किस्से जानने को मिल रहे हैं, वो भी बीजेपी के फायर ब्रांड नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा से। पहले उन्होंने अपनी लव लाइफ को लेकर खुलासा किया था, अब एक और चौंकाने वाला खुलासा इन्होंने किया है, और वो खुलासा है पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की मौत से जुड़ा हुआ है। तो आइए आपको बताते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो के जरिए। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का न्यूज रूम पोस्ट में, मैं आपके साथ कुणाल। आपको बता दें कि बिग बॉस 18 में 18 कंटेस्टेंट्स ने हिस्सा लिया है, लेकिन देखा जाए तो कई तो बिना मतलब के हैं, सिर्फ लड़ना ही उनका प्रोफेशन है। खैर, एक ऐसा भी इंसान है शो में जो शुरुआत होते ही बड़े बड़े खुलासे करने लगा है। अब उसमें कितनी सच्चाई है हमें नहीं पता, लेकिन बात तो सामने आई है। दरअसल शो में पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की मौत से जुड़ा एक दिलचस्प दावा सामने आया है, जिसने सभी को हैरान कर दिया है, और वो दावा भाजपा नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा ने किया है। तजिंदर पाल सिंह बग्गा ने हालिया एपिसोड में दावा करते हुए बताया कि उन्हें पहले ज्योतिषों पर विश्वास नहीं था, लेकिन बाद में उनकी सोच बदल गई। उन्होंने बताया कि सिद्धू मूसेवाला की मौत ने उन्हें ज्योतिष को पूरी तरह से भरोसा करने पर मजबूर कर दिया। गुणरत्न से बातचीत करते हुए तजिंदर ने बताया कि उनके एक ज्योतिषी दोस्त हैं जिनका नाम रुद्र है। उन्होंने बताया कि मैंने सिद्धू मूसेवाला के साथ उनकी एक तस्वीर देखी, जिसके बाद मैंने अपने ज्योतिषी दोस्त से पूछा कि वो सिद्धू उनसे क्यों मिले। रुद्र ने बताया कि सिद्धू अपनी कुंडली दिखाने आए थे। ये सुनकर मेरे को थोड़ा हैरानी हुई, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि सिद्धू इन चीजों पर विश्वास करते हैं। तजिंदर पाल सिंह बग्गा ने आगे बताया कि मेरे दोस्त ने कहा कि सिद्धू ने उनके साथ 4 घंटे बिताए और रुद्र ने सिद्धू को ये सलाह दी कि उन्हें देश छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उन पर कोई खतरा मंडरा रहा है। इस बात ने मुझे भी हैरान कर दिया था। उन्होंने आगे बताया कि मैंने अपने दोस्त से पूछा, यानी कि रुद्र से पूछा, क्या उसने सिद्धू को बताया था कि उनकी जान को खतरा हो सकता है। उसने कहा कि ज्योतिष में हम सीधे तौर पर ये नहीं कह सकते हैं कि किसी की जान को खतरा है, लेकिन मैंने उन्हें देश छोड़ने के लिए चेतावनी दी थी। उन्होंने आगे कहा कि 8 दिन बाद उसकी मौत हो गई और मैंने तुरंत अपने दोस्त को फोन किया, यानी तेजेंद्र पाल सिंह ने रुद्र को कॉल किया और कहा कि मुझे भी कोई सलाह दे, और उस दिन से मैंने कुंडली पर आंख मूंद कर भरोसा करना शुरू कर दिया था। खैर, अब इस बात में कितनी सच्चाई है वो नहीं पता, लेकिन अब उन्होंने बात कही है तो कुछ तो आधार होगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और ये नई जानकारी आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं, और देखते रहिए न्यूज रूम पोस्ट।